लव स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होगी, पर आर्य बब्बर लेकर आ रहे हैं एक। देखिए, आप राजश्री के चैनल से हैं इसलिए मैं नमस्ते करके पहले से ही खड़ा हूँ। मेरे हाथ में आरती की थाली होनी चाहिए तो मैं अभी ऐसे भी कर लेता आपके। अब मैं क्या करूँ, अब मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। पूरे के पूरे बजाती प्रोडक्शंस अभी इसको देख रहा होगा। बुक इज कॉल्ड माई फियोन से मी एंड हैशटैग IFU *EDUP विच मीन्स IFTUP। ये FTUP स्टोरी क्या होती है? FTUP स्टोरी होती है फकअप स्टोरी। वार्निंग, दिस इज नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज अ एफ अप स्टोरी, दिस इज अ फक अप स्टोरी। क्योंकि आजकल के ज़माने में मुझे लगता है दिल ज़्यादा टूटते हैं, गलतियाँ लड़के लड़कियों से ज़्यादा होती हैं, एंड वही ये कहानी। इस कहानी का मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, इंस्पिरेशन क्या रहा आपके लिए? इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत एफ अप्स की हैं और मुझे लगा कि कोई इस मुद्दे पे कहानी नहीं लिखता है। सब हमेशा दिखाना चाहते हैं कि राज और सिमरन मिले कैसे, प्रेम ने सुमन के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे लगा यार क्यों ना एक ऐसा किरदार बनाया जाए जो सच्ची मोहब्बत करता है लेकिन बेचारे से गलतियाँ हो जाती हैं, और वो गलतियाँ इतनी जेन्युइन और इतनी रियलिस्टिक हैं कि आप उसके साथ सिंपथाइज करोगे, लड़ोगे नहीं और उससे चिढ़ोगे नहीं। वो है कैरेक्टर ऋषभ शाह। मतलब ऋषभ शाह और आर्य बब्बर दे आर नॉट? बिल्कुल नहीं। ऋषभ शाह गुजराती लड़का है, 26 साल का है और 15 साल से एक लड़की को डेट कर रहा है। आर्य बब्बर पंजाबी है और कभी जिंदगी में उसने मुझे नहीं लगता 15 महीने भी किसी लड़की को डेट किया होगा। हाँ, सीरियसली, मेरी लाइफ का एफ अप है भाई, मैं क्या करूँ। अच्छा, आपकी लाइफ का एक ऐसा एफ अप जो शेयर करना चाहेंगे व्यूज के साथ? जी देखिए, बहुत सारे हैं, एक तो हो ही नहीं पाएगा, पर मैं एक सिंपल कहूँगा कि मेरे करियर का आप ले सकते हैं कि मैं 19 साल की उम्र में मैंने डेब्यू कर लिया और मैं ये चाह रहा था कि लोग बिलीव करेंगे मैं 20-25 लोग को एक हाथ से मार दूंगा। ये कैसे हो सकता है यार? यहाँ पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? मैं बस ये कहना चाहूँगा, दे आर माय एक्सटेंडेड फैमिली एंड आई एम हैप्पी टू हैव देम हियर। विद कैमरा पर्सन फैजान नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।